गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज केडी सर फ्रॉम सीओएम एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 लीनियर कोरिलेशन। वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1, उसका इंट्रोडक्शन, थियरी, डेफिनेशन बहुत डिटेल में देखा था, कुछ सजेशंस भी दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज अभी देख लीजिए, सो दैट आपको कंटिन्यूटी, एक बार थियरी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू कैन डू वेल इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। एज वी नो दैट द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन विच शोज स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हम आर बोलते हैं, राइट? तो ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल मेजर। जैसे हम लोग फाइव एक्स, मतलब फाइव लिखते हैं, एक्स कितने टाइम है, फाइव, दैट इज द न्यूमेरिकल मेजर, राइट? तो वही हम, ये जो मेथड है ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, राइट? और इसलिए इसे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड भी बोला जाता है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट। द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन variables x and y is denoted by r is equal to covariant of xy as standard deviation of x and standard deviation y. अब अगर आप इसका एक एक वैल्यू देते हैं, covariance of xy और sd of x और sd of y का वैल्यू डालते हैं, तो यू विल गेट r is equal to sigma x minus x bar y minus y bar square root of सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर, राइट? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट देर आर टोटल 3 फॉर्मूलास, दो फॉर्मूला ही है, तीसरा फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड है, राइट? नाउ वो तीनों कब यूज करना चाहिए, तीनों फॉर्मूला सेम है, इट्स ऑल कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला ओनली, बट तीनों में आंसर भी आपको सेम मिलेगा, बट प्रिसाइज आंसर के लिए आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो ध्यान रखना है, राइट? तो जो अभी मैंने बताया, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर, ये तब यूज करना है जब मीन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, मतलब नंबर्स, राइट? तो जब भी ये सम स्टार्ट करें उसके पहले हम क्या करेंगे, x बार और y बार ढूंढ लेंगे, तो और x बार और y बार के वैल्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब मैंने जैसे कहा इंटीजर्स हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर इंटीजर्स नहीं है, x बार y बार फ्रैक्शन में आते हैं या डेसिमल, आप समझते हो ना, फ्रैक्शन या तो डेसिमल पॉइंट में आता है, देन यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू n sigma xy minus sigma x into sigma y upon square root of n sigma x square minus sigma x whole square into square root of n sigma y square minus sigma y का whole square। अब देखिए ये formula बहुत important है, बराबर, ये formula अगर आपको आते हैं तो sums आ जाएंगे, तो I will suggest ये formulas को 10-10 टाइम, 5-5 टाइम, जब तक आपको परफेक्ट नहीं हो जाएगी, दो टाइप, एक तो अभी 5 टाइम टर्म्स करेंगे और जैसे जैसे सम करेंगे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज को लर्न करना बहुत जरूरी है स्टेट्स में, इफ यू नो फॉर्मूलाज वेल एंड इफ यू नो वेयर टू यूज इट, देन इट्स इजी फॉर यू टू डू दी सम्स एंड ऑल्सो टू स्कोर 100 out of 100 स्टेट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट? अब ये जो फॉर्मूला है ये तब यूज करना है जब x बार और y बार का वैल्यू फ्रैक्शनल या तो डेसिमल में आता है, राइट? अब यही फॉर्मूला को अगर आपको याद हो तो 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड यूज किया था। ये शॉर्टकट मेथड क्या है, राइट? स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द कैलकुलेशंस, राइट? सो यहां जैसे r इज इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, ये जगह पे शॉर्टकट मेथड तब यूज करना है जब आपको वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई
आर बिगर नंबर। अगर स्मॉलर नंबर है, छोटे नंबर है, या तो आप अगर आप समझिए कि 30-40 के बीच में, मतलब 30-40 से भी छोटे हैं, राइट, तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। अगर आपको बड़े नंबर्स दिए हैं सो देट आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो कैलकुलेशन में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। अब ये यू वी जो है ये कुछ नहीं, हम क्या करते हैं बड़े नंबर का कोई भी सेट नंबर ले लेते हैं, दैट इज एक्स माइनस ए, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी ए, राइट, और इस तरह हम लोग उसे शॉर्टकट करते हैं, राइट, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, राइट। वी विल एक्सप्लेन व्हाइल डूइंग सम आल्सो, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम। आई होप यू गॉट इट विद द फॉर्मूला, सो प्लीज इस फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ फॉर्मूलाज हैं आप टेक्स्ट बुक में वो भी गो थ्रू कीजिए। एंड द मेजर्स लाइक सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई एंड एन आर नोन, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और डायरेक्ट n इंटू एस एक्स एक्स वाई। कभी आपको एस एक्स और एक्स वाई डायरेक्ट दिया होता है तब ये फॉर्मूला शॉर्ट यूज करना है, और जब आपको सिग्मा एक्स वाई एक्स बार वाई बार और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एन आर नोन, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एक्स वाई, ओके। और ये जो कुछ थियरीज है, assumption of Carl Pearson correlation coefficient method का, और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है ये भी गो थ्रू कर दीजिए कि वैल्यू जो है आर का जो वैल्यू है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है आपको सम्स में, जब आपको लास्ट कंक्लूजन लिखना होगा, इंटरप्रिटेशन लिखना होगा, तब आपको ये काम आएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सम्स।